जितने भी हैं वो बैंडिट क्वीन के नाम से जानती है, और हमें पता नहीं था कि इतना संघर्ष करने के बाद हम जिंदा रहेंगे और आज आप सबके बीच में भी पहुंचेंगे, इतना मान सम्मान भी हम पाएंगे जो हमने कभी नहीं सोचा था। 4 साल हम जंगल में भटके, आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में, नहीं कहना चाहिए ऐसे मौके पर, मैं कहूंगी बताऊंगी जो मेरे पे बीती है, कि हमारे सामंतशाही लोग, पैसे वाले लोग, और खासकर मैं जात का नाम लूंगी तो लोग कहेंगे दुबई में जाके जात पुकारी गई, ऐसे ऊंची जाति के लोग जो जात पात को मानते हैं, हम जैसे गरीबों को, दलितों को, दबे कुचलों को, अल्पसंख्यकों को एकदम ये सोचते हैं जी कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसान नहीं है। तो उन लोगों को मैंने बताया कि मैं इंसान हूँ, अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। और इसलिए मैंने कई दफे सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, पर मैंने सोचा कि मरती तो हजारों लड़कियां रोज हैं। बताओ, हमें डाकू के नाम से जानते हैं लोग, डाकू, फूलन देवी डाकू, बताओ मेरी 4 हाथ पैर हैं, कहते चम्मिल घाटी की है, चम्मिल घाटी के, चम्मिल घाटी मेरी माँ बाप है। अरे मैं माँ बाप से पैदा हुई हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं झोपड़ी में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई, दबी कुचली समाज में पैदा हुई, तो हमें जीने का अधिकार है नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैं तो वहां भी मंच में बोलती हूँ, अबू भाई के साथ में तो कई सभाएं हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, कि मैंने कोई बुरा नहीं किया है। आपने सुना होगा, सुना था आप तो वहीं के सब रहने वाले हैं, कुछ हमारे भाई हैं यहाँ के, है कि एक सीता के कारण इतने बड़े जो रावण का आज तक पुतला फूंकते हैं, उसका यही कसूर था कि खाली एक औरत को उठा ले गया तो आज तक पुतला फूंकते हैं। मैंने क्या बुरा किया? मेरे साथ भी ऐसे रावणों ने अत्याचार किया, मैंने उन रावणों को जवाब दिया, फूलन देवी को डाकू है, डाकू है। अरे वो तो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, नहीं नाम लेना चाहिए, जो आज हम समाज के अंदर खड़े हैं। और नहीं तो इतनी बड़ी साजिश रची थी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, जिन्होंने हमें सताया, हमें समाज में रहने लायक नहीं रखा। तो गुस्सा में इंसान अच्छा काम नहीं करता, गुस्सा में गलत ही करता है, और जो कुछ भी हुआ अच्छा और बुरा, सबक सिखाने के लिए कि हम जैसी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे तो कोई भी महिला घर से बाहर निकल के और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, हमें तो डाकू घोषित कर दिया, जब मैं चुनाव लड़ने जाती हूँ तो सब एक ही भाषण रहते हैं, किसी के और कोई भाषण नहीं रहते हैं। बताओ मैं डाकू दिखाई देती हूँ, क्या होता डाकू है? तुमने हमें सताया, हमें लूटा पीटा, डाकू तो वो बेईमान जो हम जैसी महिलाओं को लूटते पीटते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, 4 साल में जंगल में भटकी, 11 साल में जेल में रही, और जेल में भी हमें पागलों के साथ रखा गया था, अच्छी जगह नहीं रखा गया, जी पागल महिला थी, पागल महिलाओं में रखा गया था। 11 साल तक हमें जेल में रखने के बाद कोर्ट में पेश नहीं करा गया, और जब जेल से छोड़े गए तो बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में तूफान आया, इतनी बड़ी डाकू को छोड़ दिया गया, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। बस आप सबका प्यार था, आशीर्वाद था, कुछ ऊपर वाले की भी हुआ थी।